ये कोई मामूली सगाई नहीं है भाई, मेरे भाई अलादीन और सुल्ताना की सगाई है। और जितनी खुशी मुझे सगाई की हो रही है ना, उतनी तो मेरे अब्बू को अम्मी से मार खाते देख कर भी नहीं होती थी। आज तो ये महल दुल्हन की तरह सजेगा। पता नहीं अलादीन कहाँ रह गया, आज सगाई है उसकी और उस लड़के का कुछ अता पता ही नहीं। और चाची जान, ये गुल्लू, गुल्लू मुझे माफ कर दे बेटा, दरअसल मैं इतनी परेशान थी ना कि ना ही तो मुझे तू दिखा और ना ही ये कमबख्त सीढ़ी। नहीं नहीं चाची जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप परेशान क्यों हैं? क्योंकि तेरा भाई अलादीन अपनी ही सगाई पर गायब है। कंगन जो मैं अपनी बहू को देने वाली थी वो भी अभी तक तैयार नहीं हुआ है। अलादीन से कहा था मैंने कि मुझे उस पर नील मोती चढ़वाना है, पर मजाल है मेरी कोई बात सुने वो। मैं इतनी परेशान हूं और तू हलवा खाए जा रहा है? तो आप भी खा लीजिए चाची जान, बहुत ही स्वाद है। आने दे अलादीन को, आज ना उसकी खैर नहीं। चाची जान मेरी बात तो सुनिए, यही तो भाई मेरे भाई अलादीन का खास अंदाज है, देखिएगा वो वक्त पर जरूर आ जाएगा। आप ये हलवा खाइए ना। अलादीन, नाम तो सुना होगा। काली गुफा है। ये तो बहुत खतरनाक जगह है, यहाँ खौफ है, अंधेरा है और हजारों चमगादड़ हैं। और एक उल्लू भी है। उल्लू? उल्लू कहाँ है? कहाँ है? आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं ना आका? आका, आज के दिन का सबसे जरूरी काम यहाँ था। आज का दिन कितना खास है, इतना खास है कि मेरे सैकड़ों सालों की जिंदगी में पहली बार आया है। जिनू जितना बोलोगे अंगूठी छाप, जिनू की याद आनी बंद हो जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, ये तो अंधेरी गुफा है, हमें दुनिया का सबसे नायाब नील मोती कैसे मिलेगा? आपने तो कहा था कि वो नायाब नील मोती सिर्फ धूप में दिखाई देता है। हाँ धूप में, और यहाँ तो कितना अंधेरा है। मेहमान मोहल्ले में खो जाता है तो हम क्या करते हैं? अब उसे घर का रास्ता दिखा देते। बेटे की तुम जितना उल्लू समझा था तुम उतने उल्लू हो नहीं अंगूठी छाप। अब हम भी वही करेंगे, धूप को
उसके अंदर आने का रास्ता दिखाएंगे। मेरे साथ रहकर आपका दिमाग भी बहुत तेज हो गया है। आका अंधेरी गुफा में जादू काम नहीं करता है और वैसे भी मेरे पास बहुत कम जादू है, बचाइए आका। मुझे चमगादड़ों से नफरत है और तुम देखना गुरिचा, एक दिन पूरी दुनिया चमगादड़ों से नफरत करेगी। हाँ। सबसे नायाब नील मोती। आज का दिन आया है, बरसों के बाद मिल गया मोती। हम जाएंगे बगदाद। आज मेरे भाई मेरे आका की होनी है सगाई। सगाई 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 सगाई। अरे आका, मेरे आका की सगाई। चाची जान देखिए ना, मेरी बात सुनिए, भाई मेरा भाई आता ही होगा। पर कब आएगा, आज सगाई है उसकी सुल्ताना के साथ। हाँ तो आता ही होगा ना भाई मेरा भाई। चाची जान आने दो आज उसे, ऐसे कान खींचूंगी ना उसके, हमेशा याद रखेगा। मैं आज तो भाई मेरा भाई गया। मुझे बगदाद क्यों ले आए कालीन? मेरी अम्मी बगदाद में थोड़ी ना रहती हैं, वो तो गुस्से में रहती हैं। गुस्से में सिर्फ मैं नहीं, मेरी चप्पल भी रहती है। मैं और मेरी चप्पल अक्सर ये बातें करते हैं। अलादीन यहाँ होता तो वो उस पर कैसे पड़ती, उसके गौर को कैसे लाल कर देती, उसके सर के सारे बाल कैसे साफ कर देती। वो होता तो ये होता, वो होता तो अम्मी 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 अम्मी, आप और आपकी चप्पल जो करना चाहते हैं कर लीजिएगा, लेकिन पहले आंखें बंद कीजिए। आंखें खोलिए। अलादीन,
ये तो अम्मी अब नायाब नील मोती कंगन में लगवा कर नकचड़ी को देना चाहती थी ना, जो आपके लिए अब्बू लाए थे। और अपनी अम्मी की मैं ख्वाहिश ना पूरी करूं, ऐसा हो नहीं सकता। रहने दे, सब जानती हूँ मैं। मेरी ख्वाहिश के बहाने अपनी होने वाली बीवी को एक खूबसूरत तोहफा देना चाहता है तू, है ना गुल्लू? बिल्कुल सही कहा चाची जान। अब देखिए, सगाई से पहले ही भाई मेरा भाई अपनी बीवी का गुलाम हो गया। सोचिए निकाह के बाद क्या हाल होगा इसका। निकाह के बाद मेरा बेटा सुल्ताना का सच्चा साथी बनकर रहेगा। अल्लाह तुम दोनों को सारी खुशियां दे। पर तू मुझे बताकर भी तो जा सकता था ना, इन आंखों को मुश्किलें देखने की इतनी आदत हो गई है कि अब खुशी के मौके पर भी दिल घबराता है। जफर या उसके जैसा कोई खतरा, जफर या उसके जैसा कोई भी अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अम्मी, जफर के साथ साथ ना सिर्फ उसके शैतानी इरादे खत्म हुए बल्कि बगदाद से बुराई का नामो निशान भी मिट गया है। इससे पहले कि वो जहन्नुम का दरवाजा खोल पाता, लालच और दुनिया को खत्म करने के मंसूबे ने उसकी जान ले ली। किस्मत ने उसके किए की सजा दे दी। जफर इस दुनिया से और जहर बगदाद से बहुत दूर चली गई है, और जहर जाते जाते हमारे काम आ गई। जिनू उसके बनाए जहर की मदद से अंगूठी छाप को वापस ले आया। नहीं, हमने तो सोचा था कि हम तुम्हें हमेशा के लिए खो चुके हैं भाई, पर असल में जफर की वजह से तुम गहरी नींद में चले गए थे। हाँ आका, मुझे भी लगा था कि मैं अम्मी से और आपसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन तकदीर मुझ पे मेहरबान है। और हम सब पर भी, देखना अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ, पर एक कमी तो अभी भी है, जीनू चीनी मीनी और चांद चंगेजी की। वो तीनों भी इस मौके पर यहाँ होते तो। पर उन तीनों की जिद थी कि हमारी सगाई के दौरान वो जिन्नात की दुनिया में जाकर मुल्क की और हम सबकी सलामती की दुआ करें, ताकि अब बगदाद में कभी कोई नई मुश्किल ना आए। हाँ अम्मी, और उन्हें लौटने में थोड़ा वक्त लगेगा, और वैसे भी अगर कुछ दिनों की दूरी के बदले बगदाद में चैन और सुकून रहे तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और अम्मी आप ही देखिए, उन तीनों की दुआ रंग ला रही है। अल्लाह की करम से अब मलिका का यहाँ आना हमेशा हमेशा के लिए टल गया, और अब बगदाद में ही नहीं, बगदाद से मीलों दूर तक किसी भी बला का साया नहीं पड़ेगा। नींद थोड़ी गहरी हो गई, जागने में 500 बरस लग गए। अलादीन
तुम्हें क्या लगा था तुम हमें रोक सकोगे? तुम बच्चे हो अलादीन, तुम्हारे लिए जो जंग है वो हमारे लिए खेल है। जंग में खून बहता है, खेल में मजा आता है। तुम्हारा खून बहेगा और हमें मजा आएगा, मजा आएगा। ना बादशाह ना इक्का, चलेगा मलिका का सिक्का। हम आ रहे हैं अलादीन, मजा आएगा। मजा तो आएगा अम्मी, सुल्ताना की सास बनेंगी आप। मतलब क्या कहानियां बनेंगी, सास बहू और बगदाद। तू भी ना अंगूठी छाप, तुम ये कंगन संभाल कर रख लेना। क्यों अम्मी, आप ये कंगन मुझे भी दे सकती थी ना। दे देती गुल्लू, लेकिन तुम्हारी कलाई में ये आएंगे नहीं। बगदाद के वजीर होने की हैसियत से इस कंगन को संभालने के लिए मांग रहा था। शक्ल जब मस्जिद के बाहर जूते संभालने वाले की हो तो कंगन नहीं संभाला करते गुल्लू। लाइए अम्मी। ये कंगन मैं अपने पास रखूंगा। आका कंगन मैं संभालूंगा। मैं संभालूंगा, जब शक्ल पड़ोसी के बच्चे संभालने की हो तो कंगन नहीं संभालते अंगूठी छाप। देखो अम्मी, ये कंगन नचड़ी को पहनाना चाहती, मेरे पास रहेगा बेहतर होगा। आका मैं भी ये कंगन सुल्ताना को पहनाने के लिए ही संभाल के रखूंगा, खुद थोड़ी पहन लूंगा। क्या पता तुम्हारी कलाई में तो आ भी जाएगा। मुझे तो नहीं आका, कंगन मैं संभालूंगा। अरे मैं संभाल लूंगा, मैं वजीर आला हूं, मैं जिन्न हूं। तो हो गया। We'll be right back.
तुम्हारी खैर नहीं काली चोरनी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.